काशी में क्यों बसते हैं काल भैरव और क्यों शिवजी ने काल भैरव का अवतार लिया था, चलिए जानते हैं। तो एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में डिस्कशन चल रहा था कि इस यूनिवर्स का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार यानी कि टॉप लॉर्ड इस यूनिवर्स का कौन है। तो इस बात पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वो हैं और विष्णु जी कहने लगे कि वो हैं। तो देखते ही देखते ये डिस्कशन आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो गया। फिर वो इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए चारों वेद के पास गए। तो चारों वेदों ने ये बात सुन के कहा, न ब्रह्मा जी न विष्णु जी बल्कि भगवान शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये बात सुन के ब्रह्मा जी का एक सर बहुत जोर से हंसने लग गया और ये देख के शिव जी को बहुत गुस्सा आया और वो वहां खुद पहुंच गए। और फिर उन्होंने गुस्से में अपने अंश काल भैरव को रूप दिया और काल भैरव ने ब्रह्मा जी का जो सर बहुत जोर से हंस रहा था उसको काट के फेंक दिया। और फिर ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव जी से माफी मांगी और तब जाके ये आर्गुमेंट शांत हुआ। बट तब तक काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका था। तो शिव जी ने काल भैरव से कहा, काशी जाके अपने पाप